हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन में। जैसे कि आप लोग राशन कार्ड के लिए इस वेबसाइट का यूज करते थे ईपीडीएस, तो एक नया वेबसाइट आ चुका है, इसी के बारे में बात करूंगा। राशन कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स आप कैसे निकालेंगे, राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, वो आप कैसे जांच करेंगे, ओके आपके राशन कार्ड पे जो है कौन कौन से किस्त अभी चालू है, ओके क्या सब आपके राशन कार्ड जो है एक्टिव है कि नहीं, ओके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके तो सिंपली जो है आपको इस वेबसाइट पे नहीं आना है, ओके तो ये जो है ईपीडीएस पे आपको नहीं आना है। ओके चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है epos.bihar.government.in दोनों का लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं epos.bihar.government.in इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार एनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम AEPDS, ओके जो कि बिहार सरकार की राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अगर प्राइस चार्ट आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की दाल चल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की प्राइस जो चल रहा है इसका 0 रुपया, ओके जो कि आपको निःशुल्क मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राइस जो है 3 रुपये प्रति केजी है, और यानी गेहूँ जो है 2 रुपये प्रति केजी है। ये आप देख सकते हैं कि AAY इसके लिए है, यहाँ पर आप PHS हुआ के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है राशन कार्ड की पूरी हिस्ट्री, ओके तो पूरा जन्म कुंडली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, ओके आपके राशन कार्ड पर क्या सब एक्टिविटीज हो रहा है, आपके राशन कार्ड से कितना गेहूं चावल सब जो है वो निकाला जा रहा है। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको ये चेक करने के लिए आरसी डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आरसी डिटेल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से आप आरसी डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ समय वेट करना है, ये देख सकते हैं वेबसाइट जो है रीलोड हो रहा है, तो आपके सामने जो है इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। ओके सबसे पहले आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है। ओके तो सिंपली आपको जैसे कि अभी जून चल रहा है तो यहाँ पर मई जो सेलेक्ट है, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 2020 यहाँ को यहाँ पर आने देना है क्योंकि ये करेंट डेट को शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आरसी नंबर यानी कि आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर इंटर करना है। राशन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर राशन कार्ड नंबर देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगा। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट, ओके तो टोटल जो है 4 यूनिट यानी कि 4 मेंबर जो है इसमें, ओके राशन कार्ड नंबर में ये जो है PHS के तहत आता है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट उसके तहसील यानी ब्लॉक आप ये देख सकते हैं, FPS ID आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर का नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके उसके बाद ये जनरल आप देख सकते हैं मेल या फीमेल, ओके उसके बाद इसका एज आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टेटस में देख सकते हैं एक्टिव यानी कि इसका राशन कार्ड जो है एक्टिव है चालू है। ओके अगर यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है तो आपका राशन कार्ड इसका मतलब है बंद हो गया है, तो आपको यहाँ पर ब्लॉक में जाके आपको पता करना होगा कि कैसे चालू होगा या क्या बात है। ओके उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं UID यानी कि आधार कार्ड स्टेटस। ओके यहाँ पर बता रहा है सी डेट, चारों का सी डेट बता रहा है। ओके इसका मतलब कि चारों का जो है आधार कार्ड जो है राशन कार्ड से लिंक है। ओके ये बात आपको समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर कुछ सी डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं कि आपको क्या सा मिल रहा है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 KG यहाँ पर आपको गेहूँ, ओके उसके बाद राइस 12 KG, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राइस जो है 12 KG और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दाल जो है 1 KG आपको मिलेगा। ओके यहाँ पर टोटल जो मेंबर है 4 है तो आपको 1 ही KG यहाँ पर मिलेगा। ओके तो यहाँ पर उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप यानी कि बायोमेट्रिक्स का जो है ये चावल दाल सब दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर अंगूठा लगाना पड़ता है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर जो है अंगूठा लगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं बायो। ओके उसके बाद इरर कोड यानी 100 इसका मतलब है सक्सेस, सक्सेस या देख सकते हैं सक्सेसफुल। आप जो है इसके मेन वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स पता चलेगा कि इरर कोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि 28/5/2020 को, ओके वन टाइम एक ही बार में जो है निकाला गया। ओके तो जैसे ही आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ओके और RC इतना, ओके ये आपका राशन कार्ड नंबर है। ओके यहाँ पर कंप्लीट ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर मेंबर देख सकते हैं कौन यहाँ पर निकाला है आपका राशन। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, उसके बाद मंथ, ओके यहाँ पर मई जो है सेलेक्ट है। ओके आप किसी भी महीना का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके यहाँ पर ईयर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अवेलेबल डेट यानी 28/5/2020 को जो है ये निकाला था। ओके यानी कि औंठी के निशान से यानी कि बायोमेट्रिक द्वारा। ओके
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 केजी चावल, ओके 12 केजी राइस और यहाँ पर 20 केजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राइस और 1 केजी दाल जो है ये निकाला गया था। ये आप जैसे ही ट्रांजेक्शन डिटेल्स पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा हिस्ट्री यहाँ पर खुल के आ गया। ओके चलिए मैं एक और राशन कार्ड भी यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और राशन कार्ड देने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर यूनिट जो था यूनिट जो है 7 है। ओके इससे पहले जो है 4 था। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी की सभी डिटेल जो है आपको समझ में आ गया। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंबर जो है 7 है। ओके यहाँ पर सभी का नाम आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पर आप जनरल और मेल फीमेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में सभी का स्टेटस जो है एक्टिव। ओके इन सभी को राशन कार्ड यहाँ पर मिल रहा है। ओके उसके बाद यूआईडी स्टेटस में यहाँ पर आप देखिए एक और करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है सीडेड सीडेड बता रहा है। ओके यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का सीडेड है, उसके बाद यहाँ पर चौथा 4 का सीडेड है और 3 का नॉट सीडेड। यानी कि नॉट सीडेड मतलब आपका आधार कार्ड जो है राशन कार्ड से लिंक नहीं है। ओके अगर सीडेड जैसे ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि आपके राशन कार्ड से आधार कार्ड जो है वो लिंक है। ओके अगर नॉट सीडेड आपको बता रहा है तो आपके राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको क्या सा मिला है। ओके उसके बाद जो है आपको कंप्लीट कंप्लीट डिटेल्स आपको चेक करने के लिए आपको सबसे नीचे कर लेना है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अंगूठा यहाँ पर दिया गया था। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है अंगूठा दिया गया था जिसका एरर जो है 300 बता रहा है। ओके इसका मतलब है कि बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। ओके तो ये आप देख सकते हैं टाइम। ओके उसके बाद 100 का मतलब होता है कि सक्सेस है, यानी कि इसका जो राशन जो है वो निकल गया है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल्स है और आरसी इतना। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबर कौन निकाला है, मेंबर जिसके नाम से निकाला जाएगा उसी का नाम यहाँ पर शो करेगा। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेप का ये शो कर रहा है और यहाँ पर आपको ईयर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये 28/5/2020 को निकाला है बायोग्राम। ओके और ठीक निशान द्वारा। ओके जिसमें कि यहाँ पर 14 केजी गेहूं और यहाँ पर 21 केजी राइस और 35 केजी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राइस मिलता है चावल मिलता है ये आपको यहाँ पर मिला है। ओके यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है दाल जो है 1 केजी वो यहाँ मिला है। इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है कम्प्लीट डिटेल्स जो है राशन कार्ड का यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से आप मैंने यहाँ बताया हूँ इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरी डिटेल जो है चेक कर लेना। ओके यहाँ पर आपको एरर कोड के बारे में जानना है, यहाँ पर आप क्लिक करके एरर कोड के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो UIDAI और यहाँ पर EPDS एरर कोड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके अगर कोई भी दिक्कत या कॉमेंट हो तो ओके तो आप वीडियो में लिख डालें मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके अगर आपका राशन कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके और भी यहाँ पर डिटेल्स है जिसको आप चेक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो डिटेल्स यहाँ पर आप राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके और भी ढेर सारा ऑप्शन है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज भी यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे कि ये न्यू लिखा है न्यू में जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आप इस आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके यही था आज का वीडियो। ओके तो ये आप जान सकते हैं कि आप जो है राशन कार्ड का कंप्लीट डिटेल्स जो है EPOS के माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।